मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज यानी 27 जनवरी को लातेहार के बूढ़ा पहाड़ पहुंचेंगे। बूढ़ा पहाड़ जाकर आसपास के इलाके में रहने वाले ग्रामीणों से संवाद करेंगे। इस दौरान वे उनकी समस्याओं का समाधान करने पर भी चर्चा करेंगे। ऐसा पहली बार है जब राज्य का कोई सीएम नक्सलियों के गढ़ रहे बूढ़ा पहाड़ में पहुंचेंगे और लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारी जोरों पर है। सीएम के आगमन को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बूढ़ा पहाड़ के इलाके में सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। पूरे इलाके में हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही सीएम के आगमन को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। कोबरा और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था संभाली हुई है। बताया जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन बूढ़ा पहाड़ पर लगभग 3 घंटा रुकेंगे। इस दौरान हेमंत सोरेन इलाके के लिए कई विकास योजनाओं की घोषणा करेंगे। इसके अलावा नक्सल मुक्त होने की भी घोषणा करेंगे। यह दौरा बहुत ही खास है। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और सीआरपीएफ के टॉप अधिकारी भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद होंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।